रचना जोइस किस सपोर्टिंग रोल में थी केजीएफ में, क्यों वापस आएगी केजीएफ 2 में। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है और 1000 लोग तुम्हारे पीछे खड़े हैं तो तुम सिर्फ जंग जीतोगे, लेकिन अगर 1000 लोगों ने हिम्मत जुटा ली कि तुम सामने खड़े हो तो तुम हर एक जंग जीत जाओगे। ये बात एक छोटे बच्चे से हुई थी। उसकी छोटी सी मुट्ठी में तब सिक्कों की खनक भले ही कम थी, लेकिन जिगर में पूरा समंदर था। वो हीरो नहीं बनना चाहता था, बनना चाहता था तो विलन। ये छोटा सा पौधा कब कोलार गोल्ड फील्ड्स के लिए बरगद बन गया किसी को खबर नहीं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा इस पौधे के बीज को जिस माँ ने सींचा था उसके सिर्फ एक डायलॉग ने पूरी फिल्म पलट दी थी। अगर आपने आखिरी वक्त में उस माँ ने अपने बेटे रॉकी से जीत कर आने की कसम नहीं ली होती तो मिट्टी से सने खदान में सोने सा चमकता रॉकी भाई पैदा नहीं होता। किरदार छोटा था लेकिन असरदार था। ये किरदार 27 साल की कन्नड़ एक्ट्रेस अर्चना जोइस ने निभाया था। बता दें, बॉलीवुड की फिल्मों में अमूमन तीन तरह के किरदार सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं, जो है फिल्म का हीरो, हीरोइन और खलनायक। अक्सर पूरी फिल्म की कहानी इन्हीं तीनों किरदारों के इर्द गिर्द घूमती रहती है, लेकिन पिछले एक दशक से इस ट्रेंड में बदलाव आया है। अब फिल्म के हीरो के दोस्त, भाई या रिश्तेदार के रूप में कोई ना कोई एक किरदार ऐसा होता है जो फिल्म, वेब सीरीज या फिर छोटे पर्दे पर भी मेन लीड के साथ चलता रहता है। कई बार कहानी की डिमांड के अनुसार नए किरदारों की रचना भी की जाती है, जिनकी अहमियत हीरो से कम नहीं होती, उनके बिना कहानी अधूरी सी लगती है। वो फिल्म में सपोर्टिंग रोल में मौजूद होते हैं, उन पर कई बार फिल्म की जिम्मेदारी हीरो जितनी होती है। फिल्म में बहुत से अन्य सितार ही सहायक किरदारों में नजर आते हैं। वो मुख्य भूमिका में ना होते हुए भी दर्शकों का दिल लूट लेते हैं, फैंस को दीवाना बना लेते हैं। कई तो दमदार अभिनय की बदौलत हीरो से भी ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। यही किरदार था अर्चना जोइस का। रॉकी की मां का किरदार निभाने वाली अर्चना जोइस ने अपने किरदार से खूब सुर्खियां बटोरी थी। आइए आपको बताते हैं अर्चना जोइस की प्रोफाइल के बारे में, जिन्होंने अपने चंद मिनटों के किरदार से सभी का ध्यान आकर्षित किया था। केजीएफ चैप्टर 1 ने साउथ इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सिनेमा पर खास छाप छोड़ी थी। 250 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करने वाली सुपरस्टार यश की केजीएफ ने कई नए कीर्तिमान स्थापित किए थे। कोलार की सोने की खदानों को लेकर कन्नड़ फिल्म केजीएफ ने धूम मचा दी थी। केजीएफ की कहानी, किरदार, फिल्म का केंद्र से लेकर हर कलाकार खूब लोकप्रिय हुआ। साल 2018 में आई केजीएफ में यश की मां की भूमिका में नजर आई अर्चना जोइस का रोल बेशक छोटा सा था, लेकिन अपने किरदार को जीवंत बनाने के लिए अर्चना ने खूब वाहवाही लूटी थी। अक्सर देखा जाता है कि यंग एक्ट्रेस ज्यादा उम्र वाले किरदारों को करना पसंद नहीं करती हैं, लेकिन अर्चना ने काफी कम उम्र में माँ का रोल निभाया और अपने करियर को नई दिशा दी। अर्चना जोइस कन्नड़ फिल्मों की एक्ट्रेस हैं जो कई सालों से साउथ इंडियन इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। इनका जन्म बेंगलुरु में हुआ, यहीं से उन्होंने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान से ही अर्चना को एक्टिंग का शौक रहा है। वो इसलिए क्योंकि कॉलेज में भी अलग अलग एक्टिविटीज में वो हिस्सा लिया करती थी। बता दें, इन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने करियर में एक्टिंग को चुना। फिल्मों और टीवी में काम करना उनके लिए काफी कठिन रहा, उन्होंने अपने करियर में काफी स्ट्रगल किया। अर्चना जोइस ने टीवी पर भी काम किया, छोटे छोटे रोल्स कर बिना किसी गॉडफादर के वो इस मुकाम पर पहुंची। अर्चना ने शुरुआत में दरगाह और महादेवी जैसे सीरियल में काम किया, लेकिन उनके करियर में केजीएफ टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उन्हें इस फिल्म से पहचान मिली और उन्हें केजीएफ के बाद खूब ऑफर मिलने लगे। साल 2019 में अर्चना जोइस विजय रत्था में नजर आई। नक्शे, राजकुमार, कलनाटका जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया है। अर्चना जोइस शादीशुदा हैं, उन्हें फिल्में देखना और गाने सुनना बहुत पसंद है। अर्चना जोइस केजीएफ चैप्टर 2 में भी नजर आएंगी। केजीएफ में हुई उनकी तारीफ पर अर्चना कहती हैं, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, अचानक पहचान और तारीफ मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात रही। अब आप सोचेंगे कि अर्चना का कैरेक्टर तो मर गया था, फिर कैसे वो केजीएफ 2 में नजर आ सकती हैं? तो बता दें, जैसे वो केजीएफ में थी वैसे ही वो यादों में वो केजीएफ 2 में भी नजर आएंगी। तो आप अर्चना को एक बार फिर यश के साथ देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्रैड स्टूडियो।